केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। जब वर्ल्ड कप में हुए हार ने सबको सदमे में डाल दिया था, तो वहीं उसके बाद से ही कप्तान रोहित कहीं गायब हो गए थे और बहुत ही तनाव में आ गए थे, जिसके बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। जी हां, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार झेलने के बाद रोहित काफी दुखी हो गए थे। उन्होंने विश्व कप फाइनल के बाद से सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी। वो ना तो कोई ट्विटर अकाउंट पे थे, ना ट्वीट कर रहे थे और ना ही कोई फोटो या वीडियो शेयर कर रहे थे। ऐसा माना जा रहा था रोहित को फाइनल हार के बाद गहरा सदमा लगा है, जिससे उबरने में उन्हें लंबा समय लग सकता है। लेकिन हिटमैन के फैंस को अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सचदेह ने सोशल मीडिया के अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में पति रोहित शर्मा के साथ खुद की सेल्फी अपलोड की, जिसमें ये कपल बेहद खुश नजर आ रहे हैं। रोहित के चेहरे पर भी स्माइल है। ये फोटो फ्लाइट के अंदर की मालूम होती है। रितिका ने फोटो पर रेड कलर वाले हार्ट इमोजी पोस्ट करते हुए लिखा, माय बॉय। इससे पहले रोहित ने कुछ दिन पहले एक फोटो शेयर किया था, जिसमें वो पत्नी रितिका के साथ खाली सड़क पर टहलते हुए नजर आए थे। हालांकि उस फोटो में दोनों का फेस दिखाई नहीं दे रहा था। रोहित ने जो फोटो शेयर किया था, उसे विदेश का बताया जा रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व कप के बाद रोहित फैमिली संग विदेश घूमने के लिए चले गए थे। रितिका ने जो फोटो शेयर की है, वो शायद विदेश से लौटते वक्त की है। विश्व कप फाइनल में हार के बाद रोहित ग्राउंड से बाहर निकलते समय काफी इमोशनल हो गए थे। वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम ने लगातार 10 मैच जीतकर फाइनल का टिकट कटाया था। तो वहीं रोहित शर्मा अब साउथ अफ्रीका दौरे पर खेलते नजर आएंगे। साउथ अफ्रीका दौरे पर भारत को 3 T20, 3 ODI और 2 TST मैचों की सीरीज खेलनी है। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम का ऐलान आज किसी भी वक्त हो सकता है। BCCI रोहित को तीनों फॉर्मेट में कप्तानी करने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोट की वजह से अब दिसंबर में भी नहीं खेल पाएंगे। रोहित यदि T20 की कप्तानी करने को राजी हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि उन्होंने इनकार किया तो फिर सूर्य कुमार यादव को साउथ अफ्रीका दौरे पर T20 टीम की कमान दी जा सकती है। सूर्या इस समय ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की घरेलू T20 सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।